धारीवाल का अलाइनमेंट खराब है, उसको भी ठीक करो। अरे बुड्ढो ओ बुड्ढो बावड़ो गो, प्रमोद जैन भाया खा गया, पाया ने पाया खूब खाया, एक तो पूरा गांव खा गया। देखा आपने, जब सचिन पायलट खेमा ही करप्शन पर अशोक गहलोत की बखिया उधेड़ने में लगा है, तो भला कांग्रेस की धुर विरोधी बीजेपी चुप कैसे बैठ सकती है। पायलट के सुर में सुर मिलाते हुए गहलोत सरकार को धोबी पछाड़ वाले दाव से चित करेंगे। करप्शन पर जो शायद पायलट खेमे के थे, बीजेपी भी गहलोत सरकार के लिए उसी भाषा का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि अब बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। डॉक्टर चतुर्वेदी ने कहा कि इस बार कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भाजपा नहीं बल्कि खुद कांग्रेस के मंत्री और विधायक लगा रहे हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी कहते हैं कि मंत्री राजेंद्र सिंह घुड़ा, मंत्री अशोक चांदना, दिव्या मदेना, भरत सिंह तो लगातार मंत्री प्रमोद जैन भाया और मंत्री शांति धारीवाल पर आरोप लगाते आ रहे हैं। और एक नहीं, भरत सिंह जी लगातार बोल रहे हैं, चाहे धारीवाल जी का विषय होगा या फिर आपके प्रमोद जैन भाया का विषय होगा, उन पर सीधे सीधे आरोप एक नहीं कई लगा चुके। इसी प्रकार अभी रणवीर सिंह के खुद के मंत्रियों ने आरोप लगाया कि अब हमारे देश में सबसे अधिक भ्रष्ट सरकार कहीं है तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार चल रही है। अशोक चांदना बोल चुके, दिव्या मदेना बोल चुकी, अलग अलग मंत्री लगातार अपनी सरकार पर, ये सरकार पूरी। चतुर्वेदी ये तक कह डालते हैं कि कांग्रेस के 120 विधायक खुद मिनी मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं और आज हालत ये हो चली है कि सरकार में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। डॉक्टर चतुर्वेदी पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री राज्य पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये सब उस समय क्यों याद नहीं आया जब वे खुद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको पूरी तरह, उनका दो बार के मुख्यमंत्री पूरे सम्मान के साथ पार्टी थी। तो वही कर्नाटक के नतीजों को देखते हुए प्रदेश के राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे फैक्टर विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में अहम रहेगा। ऐसे में भाजपा को उन्हें लेकर जल्द ही कोई ठोस निर्णय लेना होगा, वरना कोई बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। राजस्थान तक के लिए टोक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।